चलिए अब आपको सीधा जालौर लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसी ढंग का सैलाब उमड़ पड़ा था, ये इस बात का प्रतीक है। इस बार जालौर सिरोही की जनता ने मन बना लिया है कांग्रेस को कामयाब करने का। हम सबकी सलाह से भाई रतन देवासी को राहुल गांधी जी ने कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया है। आपके विश्वास के आधार पर इस बार आप भारी बहुमत से कामयाब करेंगे। रतन देवासी एक नौजवान है, चुनाव जीतने के बाद आपके बीच में आते जाते रहेंगे, आपके सुख दुख में साथी बनेंगे, विकास में भागीदार बनेंगे। जालौर की अपनी समस्या कई तरह की है, पानी की है, सिंचाई की तो है ही है, पीने का पानी की हम लोगों ने बहुत योजना बनाई, नई गवर्नमेंट आई काम ठप कर दिया, हमने अच्छा मुआवजा दिलाया किसानों को, जो राहुल गांधी चाहते हमेशा किसानों का विशेष ध्यान रखते। राहुल जी, हमने भी सबसे बढ़ करके मुआवजा दिलाया, जालौर तक पाइपों ने पानी पीने का कैसे पहुंचे। आपके यहाँ पर रेलगाड़ी चलती नहीं, जालौर के अंदर एक गाड़ी चलती खाली, बाकी मालगाड़ी चलती है, रेलवे की फाटकें बंद पड़ी रहती है। हम चाहेंगे कि वो काम भी रतन देवासी आपकी आवाज भी उठाएंगे पार्लियामेंट में, अधिक से अधिक ट्रेनें चले, जहाँ रेलवे फाटकें बंद होती है वहां और भी बने, पीने के पानी पहुंचे, कोई कमी आपके जालौर में नहीं आएगी, ये मैं आपको कह सकता हूं। और मैं बैठा हूं जयपुर में, राहुल जी ने मुझे जिम्मेवारी सौंपी है आपकी, आप मान के चलें। राहुल जी ने जो मैनिफेस्टो बनाया है पूरे देश के लिए, ये पहली बार हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खाली मन की बात थोपते थे, राहुल गांधी जी ने कहा नहीं, हम देशवासियों की मन की बात सुनेंगे, वो क्या चाहते हैं सरकार से, महिलाएं क्या चाहती है, किसान क्या चाहता है, मजदूर क्या चाहता है, व्यापारी क्या चाहता है, कुली क्या चाहता है, हर वर्ग का आदमी क्या चाहता है, उसके आधार पर मैनिफेस्टो बनेगा। और इतिहास रच दिया हमारे मैनिफेस्टो ने। एक तरफ अभी राहुल जी बताएंगे आपको न्याय योजना, गरीबों के खाते में, गरीबों के घर की महिला के खाते में 6,000 रुपये प्रतिमा आएंगे, लगातार आएंगे, ये बड़ा फैसला किया है। गरीबी दूर कैसे हो, पैसा पंप करना पड़ता है गरीबों के जेब के अंदर, वो खर्च करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, ये छोड़ के किया गया। लोग समझते नहीं है, वो अफवाह फैलाते हैं विपक्ष वाले, हमें अफवाह में नहीं आना है, नंबर एक। नंबर दो, किसान बजट आजादी के बाद पहली बार किसानों की 50 तरह की समस्याएं होती है, कैसे उनकी आमदनी दुगनी हो, कहना बड़ा आसान है, कर नहीं रहे मोदी जी, 5 साल बिता दिए। हम चाहते हैं जितनी किसानों की समस्याएं हैं, पानी की हो, कुओं की हो, खाद की, बीज की, दवाइयों की, फसल बिकने की, अच्छे मूल्य मिलने की, तमाम समस्याओं के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बहस हो, तमाम MP बहस करें, बजट पास हो, उसके बाद देखेंगे आप किस तेज गति से किसानों की समस्याएं हल होती है और किसान खुशहाल होता है, देश का किसान खुशहाल होगा तब जाके देश खुशहाल होगा। देश हमारे देश की, किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की धुरी बनी हुई है। इधर मैं आपको कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी यही कहते हैं, वादा करो मत, करो तो निभाओ, ये उनका वाक्य है, सबके लिए, हम सबके लिए। उसी रूप में आपने देखा हमारी गवर्नमेंट बनी, राहुल जी ने कहा किसानों कर्जे माफ होने चाहिए, हमने 10 दिन की बजाय 2-3 दिन में कर्जे माफ कर दिए, हमने कोऑपरेटिव बैंक कर्जे माफ कर दिए, भूमि विकास बैंक के कर्जे माफ कर दिए, और राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं उनके लिए हमने वादा किया था NPA होगा उनका, 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे। चुनाव आगे रुके थे, चुनाव खत्म होते ही पहला काम वो करेंगे, वो कर्जे माफ करेंगे, मैं कहना चाहता हूं। इस प्रकार से हमने 5 साल बिजली की दरें नहीं बढ़ेगी, 1 लाख कनेक्शन जारी कर दिए हम लोगों ने, काम चल रहा है किसानों के लिए। इस प्रकार से 21 फैसले हमने लिए हैं जो आपकी जानकारी के अंदर, 1 रुपये किलो गेहूं मिलेगा गरीबों को, वो फैसला भी हमने ले लिया है। इस प्रकार से
दवाइयां जो है 600 दवाई मैंने देते थे। हमने कहा दवाइयां तीन बहुत महंगी होती, कैंसर की, हार्ट की और किडनी की। सरकार मंत्री ने आदेश किए हैं तीनों दवाइयां फ्री मिलेगी आज के बाद में, सरकार बनने के बाद में ये हमने फैसला कर लिया। इस प्रकार से एक के बाद एक कई फैसले किए हैं। अभी वक्त नहीं कि मैं उन फैसलों के बारे में आपको विस्तार से बताऊं, पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कृपा करके आप लोग इस चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण समझें। ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव आपका एक वोट बहुत कीमती होता है, उसकी रक्षा का चुनाव है। ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का है, ये चुनाव देश को बचाने का है। लफाजी करना एक बात है, गुमराह करना एक बात है। अभी मोदी जी जोधपुर आए थे, मेरे बारे में क्या क्या कह गए आपने पढ़ा होगा। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के अनुकूल नहीं होता है। मुख्यमंत्री कोई पार्टी का हो, वो चुनाव होता है, उसकी गरिमा मान सम्मान की रक्षा करना का काम प्रधानमंत्री का भी होता है। प्रधानमंत्री जिस प्रकार से पाकिस्तान को लेकर मेरे पर आरोप लगाए, प्रधानमंत्री जिस प्रकार से कहा कि राजस्थान सरकार में कॉपरेटिव कर रही है, हम राजस्थान सरकार को बदल करना चाहते हैं, किसानों को सरकार रोक रही है, ये झूठ बोल के असत्य बोल के कब तक राज कर सकते हो? जाने का समय आ गया है, अच्छे दिन आए नहीं थे, अब मोदी जी जाएंगे तब अच्छे दिन आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।